क्या क्या कर रहा है? साड़ी नहीं पहनू तो क्या पहनू? और तुझसे एक साड़ी नहीं उठाई जा रही? और तुम होगी साड़ी पहन लेती हो और उठाने में टाइम वेस्ट हो जाता है मेरा, पूरी ना मूड की ना किरकिरा हो जाता है। हाँ तो तू क्या चाहता है, साड़ी ना पहनू डायरेक्ट तेरे सामने खोल के बैठ जाऊं? वही बात है ना चाची, इतनी बड़ी हो मुझसे लेकिन दिमाग का है यहाँ पे घुटनों में। चाचा से ना तभी नहीं बनती आपकी, क्योंकि आपको प्यार के बारे में ही नहीं पता कि माहौल कैसे गर्म किया जाता है, सामने वाले को कैसे मतलब खुश किया जाता है। अच्छा ठीक है जनाब, चाचा की ना तरफदारी मत कर, अब तू मुझे सिखाएगा कि खुश कैसे करना होता है, इतने साल तेरे चाचा को खुश किया है मैंने। चाची एक होता है खुशी से खुश होना, एक होता है मजबूरी में खुश होना। तो जो मेरे चाचा जी थे ना वो अपने आप से खुश नहीं हो रहे थे, वो बस आपकी वजह से खुश हो रहे थे, क्योंकि आपका तो ड्रामा ही ख़त्म नहीं होता। उतारने में बंदे के एक घंटे बर्बाद हैं, चढ़ने में बंदे के एक घंटे बर्बाद, बाकी का बचा एक घंटा, उसमें क्या ही कर लेगा सिर्फ घंटा। अब जा रहा तो ना घंटे मत गिन, ठीक है? पूरी जिंदगी तेरे चाचा को समझा समझा निकल गई, अब तेरी बारी आई तो तेरा भी यही ड्रामा है कि तेरे से साड़ी नहीं खुलती और घंटे गिने जाते हैं। औरत को खुश करना ना तुम्हारे बस की है ही नहीं। ये नहीं कि औरत का पहले मूड बनाए, डायरेक्ट कहेंगे साड़ी उठा दो, बस यही आता है तुम लोग को साड़ी उठाना। अरे चाची आप ना नहीं समझोगी, देखो आजकल के जो बालक है ना उनको इससे मतलब नहीं है कि आपने साड़ी पहनी है, सूट पहना है, सलवार पहना है, उन्हें बस इससे मतलब है कि पहना ही क्यों है, पहना ही नहीं होता। हाँ मैं खूब समझ रही हूँ, आजकल के जवान छोरों को ना सिर्फ यही चाहिए कि तन पे कपड़ा ना हो, बस तन से तन हो। चाची जी देखो बात ऐसी है ना, घर जैसी है तो समझा करो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। आजकल की डेट में हम नहीं चाहते कि हमें ना थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट हो, हम बस ये चाहते हैं कि इतने से भी टाइम का ना इस्तेमाल हो जाए, ठीक है? और जितना टाइम अगर मान लो मैं तुम्हारी साड़ी उठाने में है उतारने में ख़त्म करूँगा, उस टाइम में ना तो मैं चरम सीमा पे पहुँच सकता हूँ तुम्हारे प्यार को लेकर। चरम सीमा नहीं होती है, चरम सुख होता है। अरे भाई चल ठीक है ना, अगली बार से याद रखूँगी मैं साड़ी नहीं पहनूँगी, ऐसा करूँगी सूट डाल लूँगी। फिर तो बस नारा ही तो खोलना है, नारा खोला और सलवार नीचे। अरे तो इससे सही तो तुम फिर नाइटी में ही आ जाती, मैं नाइटी में ही ना घुस जाऊँ। नाइटी में भी फायदा है, सिर्फ उठाई और घुस गए। तो चाची यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, हमारे चाचा समझाते समझाते हैं बूढ़े हो गए, बूढ़े हो चुके हैं। पर अब देखो तुम्हारे जवान जो भतीजा है इसको तो ऐसा मत करो ना कि हमें नफरत हो जाए किससे, शादी से, लड़की से, बीवी से। तो हम चाहते हैं देखो अभी आपका टाइम तो जाने वाला है लेकिन आपको ज़्यादा ज़्यादा टाइम में भी मज़े दे रहा हूँ, और हमारा टाइम तो आने वाला है। अच्छा तू ही मज़े दे रहा है, मैं तुझे ट्रेनिंग दे रही हूँ। अरे मतलब ट्रेनिंग आप दे रहे हो मेरा भी फ़ायदा है, और आप ट्रेनिंग के साथ साथ एक्सपीरियंस ले रहे हो तो ये भी तो आपका फ़ायदा है ना। ये बात तो सही है, जो तेरे चाचा नहीं दे पा रहे ना वो मुझे अब मिल रहा है, जवानी का मज़ा। तो फिर चाची अब आपका दिल रखने के लिए ना मैं काम करता हूँ कि उतारूँ मत, उतरवाओ। ये भी आइडिया अच्छा है, साड़ी उतारने में जो मज़ा नहीं है, जो मज़ा उतरवाने में है। तो तू ऐसा ही कर, आज साड़ी तू ही खोल मेरी। हाँ चाची बिल्कुल, अब शुरुआत गंदी हुई तो क्या हुआ, एंडिंग मस्त कर लेंगे। बिल्कुल, और जो लास्ट में मज़ा आता है ना वो स्टार्टिंग में आता ही नहीं है। हाँ तो फिर लास्ट का माहौल भी तो फिर, हाँ तो फिर लास्ट का जो माहौल होता है वो भी तो मिजाज वाला होता है। वो तो है, मिजाज तो मैं तुम्हारे गर्म कर ही दूँगी, बस तुम्हें गर्म होने की देर है मेरे प्यारे भतीजे। तो फिर चाची जी जैसा कि आपने बताया था चरम सीमा नहीं चरम सुख। हाँ तो फिर बताओ दे दो। मैं तो दूंगा चाची, लेकिन आपकी तरफ से भी तो यही सोचूंगा ना कि मिले। मैं तो तुम्हें इतना कुछ दे रही हूँ, अभी तक तुम्हें लगा नहीं क्या मैंने तुम्हें कुछ दिया है? चाची तुम लगता है कि ना अब लग रहा है कि मैं ट्रेनिंग सही से ले रहा हूँ, है ना? और मेरे को भी लग रहा है कि मैं ट्रेनिंग बिल्कुल सही दे रही हूँ तुम्हें। हाँ बिल्कुल सही कहा चाची आपने,
और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं इस ट्रेनिंग को अच्छे से मतलब सीख लूँगा ना, तो आगे चल के मेरे बहुत ज़्यादा बहुत। काम आएगी। तुम्हारी बीवी तो उसकी तो बारे न्यारे हो जाएंगे। बारे नहीं आ रहे, मैं तो सोच रहा हूँ उसके लारे लारे कर लूँ। कहीं नारे नारे मत कर देना। हाँ हाँ वरना फिर पजामा गिर जाएगा। हाँ तो फिर चेन्नई चेन्नई कर दें। खोल दे नारा। बिल्कुल चाची जी, अब यहाँ से तुम करो